किसकी प्रस्तावक बन के आप आई हैं? हम ये इनके बनारस के आसपास से जी। इनका क्या नाम जी? इनका नाम क्या है? अरे अभी आशीबानो है तब आपको नहीं मतलब कह नहीं पा रहे हैं ना, थोड़ा हिंदी इन लोग का नाम नहीं ले पाते हैं। किसकी प्रस्तावक बन के आई हैं आप? अरे प्रतिज्ञा का नाम है प्रतिज्ञा आशु के का नाम है? नमा बुला जाते सर जी, इनका नमो ना याद है। प्रत्याशी का नाम नहीं मालूम है? कौन है आपकी प्रत्याशी, क्या नाम है? अरे पिया है। प्रिया। क्या नाम है आपके प्रत्याशी का? प्रीति। क्या नाम प्रीति मिश्रा। हाँ याद है प्रीति मिश्रा। हाँ याद है प्रीति। सोच के याद आ रहा है अब लोग, नाम जुबान पर आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। तो हैं तो आप मम्मी पापा सब लोग हैं, साथ में आए हैं। किसकी प्रस्तावक सुना आपने? हम ये इनके बनारस के आसपास से जी। इनका क्या नाम जी? इनका नाम क्या है? देखा आपने? अरे प्रतिज्ञा का नाम है आशु के का नाम है? नमा बुला जाते सर। ये है काशी की नई चुनावी लीला। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर प्रत्याशियों की लाइन लगी है। 29 अप्रैल को नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, नामांकन के लिए लंबी लाइन लगी थी। कुल 102 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया। मजेदार बात यह है कि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर शोहरत बटोरने के लिए पूरे भारत से लोग यहाँ पहुंचे हैं। नियम के मुताबिक प्रस्तावक स्थानीय होने चाहिए, लिहाजा प्रत्याशियों ने ऐसे ऐसे प्रस्तावकों का जुगाड़ किया जिन्हें ये तक पता नहीं कि उनका उम्मीदवार है कौन। जैसे तो इनको कब से जान रही हैं आप? इनको बहुत दिन जैसे जान रहे हैं, धीरे धीरे 4-6 साल से जान रहे हैं। किस मोहल्ले में रहती हैं आप लोग? ये किस मोहल्ले में रहती हैं? ये मतलब कि बड़ी बड़ी मोहल्ला भी आपको नहीं मालूम है? नहीं मोहल्ला मालूम है। अरे नहीं याद आ रहा। चलो क्या नाम है आपके कैंडिडेट प्रत्याशी का? कैंडिडेट का क्या नाम है? अरे क्या नाम है आपको मालूम नहीं है? आप क्यों बता रहे हैं? वो हम प्रस्तावक में है। कौन प्रस्तावक है? ये हम लोग सब लोग। इनको नाम नहीं मालूम है? उनको भूल भटक हो जाता है नाम से, भूल भटक भी हो सकता है उसे बुजुर्ग आदमी। क्या नाम है आपके प्रस्तावक, क्या नाम है? पितृक मिश्रा। क्या नाम है? पितृक मिश्रा। नहीं सर जी अभी तो नाम मालूम है। आपको अपने प्रत्याशी का नाम नहीं मालूम है? नहीं तो जैसे भुला जाते हैं सर जी ना अभी। किस मोहल्ले में रहती हैं ये? किस मोहल्ले में रहती हैं ये? पियरी पर। पियरी पर पूछ के बोल रही हैं? नहीं जैसे नहुआ सर जी माने अब गांव का नाम जैसे माने कि अब वो मोहल्ला में तनी रही है। मतलब समझती हैं क्या होता है कि बस साइन करने के लिए बुलाया गया है? नहीं पढ़े लिखे नहीं है सर जी तो क्या कर माने आ गए हैं इसके साथ। नाम और नाम तो मालूम होना चाहिए। नाम क्या है आपके प्रत्याशी का? वंदना जी है। वंदना नाम है? नहीं ये तो कुछ और नाम बता रही हैं। तो इनका माने जिसे इनसे संबंध वंदना जी से है, वंदना जी का संबंध हमारे से है सर जी। पृथ्वी मिश्रा। अच्छा कहाँ रहती है वो? यही रहती है। कहाँ? बनारस से। बताओ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद रहती है वो। यहाँ से कैंडिडेट खड़ी होके चुनाव लड़ रही है। कब से जान रहे हैं? कब से जान रहे हैं? अरे वो आती जाती हैं, हम लोग जानते थे इसीलिए काम है। हाँ ये लोग तो कह रहे प्रीति मिश्रा है। प्रीति मिश्रा। हाँ कब से जान रहे हैं? अरे हम लोग ये थोड़ा ये डेढ़ दिन से नहीं जान रहे हैं, आने जा। कब से जान रहे हैं? ये 10-15 दिन से आना जाना से हो गया, यही से हम लोग जान रहे हैं। कौन आपको बोला? हाँ कौन बोला आपको प्रस्तावक बनने के लिए? वो कहे हम लोग संग में चलिए। कौन बोला? ये प्रशासन नहीं कहे कैसे आप लोग हमारे संग में चलिए, अब हम लोग तैयार हो गए हैं। अच्छा आप बस आ गए साथ में, तब प्रस्तावक बन गए। हाँ तब मम्मी पापा सब लोग साथ में जा, साथ देंगे वहाँ हम लोग भी रहेंगे। बाकी आपको जानकारी नहीं है जी? नहीं। कहाँ की रहने वाली है कुछ पता है? यही फैजाबाद की है बता रहे हैं। तो फिरोजाबाद बता रहे हैं, फैजाबाद बता रहे हैं। तो वही जहाँ उन लोग बताए, अब हमें कहा मम्मी पापा साथ में आए हैं, अब उन लोग जैसा कैसा साथ लपटे रहेंगे भाई, सबको मोहब्बत दे रही है जी। नहीं ये घटना जितनी मजाकिया लग रही है उतनी है नहीं। अनजान प्रस्तावकों के पीछे वाराणसी में नामांकन के दौरान एक खेल जारी था जिसकी शिकायत चुनाव अधिकारियों तक पहुंची। जो चीजें देखने को मिली कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को जो अर्हता रखता है उसको चुनाव लड़ने का अपना अधिकार है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बहुत बाहर से आए हैं, जिनका बनारस से दूर दूर का रिश्ता नहीं है, जिनके पास अपने प्रस्तावक नहीं है और जिनको प्रस्तावक के रूप में ले आ रहे हैं, प्रस्तावक उनको जानता भी नहीं,
ये एक अजीब विडंबना है कि यहाँ पर सुदूर प्रांतों के काफी संख्या में लोग आए हुए हैं जो प्रस्तावकों को गली कूचों में सड़कों पर स्टेशनों पर जाके उनको खरीद रहे हैं, ऐसी हमको सूचना मिली। दरअसल पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की होड़ में स्थानीय से लेकर देश के कोने कोने से प्रत्याशी वाराणसी में नामांकन पर्चा भरने आए। वो स्थानीय लोगों के ही प्रस्तावक बनने के नियम के तहत जगह जगह से प्रस्तावक खरीदने लगे। बता दें कि वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कुछ प्रत्याशी नौसिखिया हैं, तो कुछ सरकारी नीतियों के खिलाफ। वो सिर्फ विरोध के लिए चुनाव लड़ने काशी पहुंचे हैं। इन्हीं वजहों से वाराणसी में प्रस्तावकों के खरीद फरोख्त के खेल को हवा मिली। पूरे नामांकन के दौरान प्रस्तावकों को खरीदने का बाजार गर्म रहा और वाराणसी से कुल प्रत्याशियों की संख्या सेंचुरी पार करते हुए 102 तक जा पहुंची। बुधवार को स्क्रूटनी के बाद साफ होगा कि पीएम मोदी के खिलाफ कितने प्रत्याशी मैदान में होंगे। ज्यादा ज्यादा लोग चुनाव लड़ेंगे तो हमको क्या प्रॉब्लम होगी, ज्यादा लड़ेंगे 5 EVM 6 EVM हमारा जो पीठासीन अधिकारी जाएगा वो पर्सनल परेशान होंगे, बहुत सारी व्यवस्थाओं में इजाफा करना पड़ेगा। तो जो हर आदमी जो सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, हम लोग हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे वो मतदाता जो प्रस्तावक बन के उनको प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए जो सिर्फ इसलिए कि हम VVIP इलाके में नामिनेशन कर लेंगे तो मेरा नाम हो जाएगा। लोकतंत्र का इसको मजाक ही समझिए। तो आपने बहुत अच्छी भविष्य में भी ये तो चूंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है, तो मैं तो चूंकि आप पहल कर रहे हैं मैं तो आज तक का भी धन्यवाद दूंगा कि एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है आपने। ये तो पूरे देश के लिए है, आने वाले भी चुनाव में कम से कम इस तरह मजाक की स्थिति ना बने, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत होने से ना रोका जाए, तो ये पहल बहुत अच्छी पहल है। ऐसे में सरकार को कोई ना कोई, भारत निर्वाचन आयोग भी कोई ना कोई इसमें, क्योंकि ये चीज अभी तक प्रकाश में नहीं आया था, तो निश्चित तौर पर आयोग भी इसमें गंभीर होगा और हो सकता है गवर्नमेंट भी इस पर विचार करो, कोई ना कोई कानून बनाओ। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक।